नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे मार्च 2022 के रवि योग कितने हैं, क्योंकि यह रवि योग ऐसा योग है जो सभी अशुभ योगों की काट माना जाता है। सभी अशुभ योग है उसके जो दुष्परिणाम है उन सभी का नाश करने वाला यह योग है। क्यों? क्योंकि रवि है, सूर्य है, वह नवग्रहों में सबसे प्रधान है और रवि का जो योग है, रवि योग, उसमें अगर कोई भी ग्रह खराब योग आ जाते हैं, खराब दुष्परिणाम देने वाले योग है, तो उन सभी योगों का निराकरण रवि योग में हो जाता है। तो यह 2022 में मार्च के महीने में कितने रवि योग है, किस दिन में है, कब से लेकर कब तक है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल की पहली बार मुलाकात ले रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियां आपको यहां पर मिलती रहती है। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी हम ज्योतिष धर्म विज्ञान की ऐसी ही जानकारियां रील्स के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी, यही इंस्टाग्राम पर भी हमारा यूजर नेम है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 2022 मार्च के सभी रवि योगों के बारे में। मार्च 2022 के रवि योगों की बात करें तो 5 मार्च 2022 शनिवार फाल्गुन शुक्ल तृतीया तिथि रात में 26:29 मतलब कि 6 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में 2:29 में तब से लेकर 6 मार्च 2022 रविवार फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि उस दिन भी रात में, मतलब अगर डेट के हिसाब से देखें तो 7 तारीख है, उसमें 27:51 तक यह योग रहेगा। उसके बाद 7 मार्च 2022 सोमवार फाल्गुन शुक्ल पंचमी तिथि 29:54 से, मतलब सूर्योदय से थोड़ा ही पहले, जहां आपको 25, 26, 27 ऐसी गिनती दिखे वहां रात में 12 बजे के बाद भी आगे गिनते जाना है, जैसे 24, 25, 26, ठीक है। तो 8 मार्च 2022 मंगलवार फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि, उस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्योदय, मतलब पूरा दिन यह योग है। और 9 मार्च 2022 बुधवार फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तिथि को सुबह 8:31 पे यह योग, रवि योग है, वह खत्म हो रहा है। 11 मार्च 2022 शुक्रवार फाल्गुन शुक्ल नवमी तिथि 14:36 से 12 मार्च 2022 शनिवार फाल्गुन शुक्ल नवमी तिथि, उस दिन पूरा दिन रवि योग है। और 13 मार्च 2022 रविवार फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथि 20:06 तक यह रवि योग रहेगा। 15 मार्च 2022 मंगलवार फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि रात में 23:33 से 16 मार्च 2022 बुधवार फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि रात में 12:21 तक यह रवि योग रहेगा। 23 मार्च 2022 बुधवार चैत्र कृष्ण षष्ठी तिथि 18:53 से अंतिम यह रवि योग है। 24 मार्च 2022 गुरुवार चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि को 17:30 पे खत्म होगा। तो यहाँ ये रवि योग जो मार्च के महीने के थे वो समाप्त हो रहे हैं। यहाँ कभी कभी आप देख रहे हैं कि रवि योग है वह पूरा दिन रहता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में आप कभी भी अपना कार्य है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें समयावधि है। वो शुभ लग्न क्या होना, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से ग्रहों का शुभ होना भी अत्यंत जरूरी माना गया है, बहुत मायने रखता है आपके लिए। तो कोई भी अगर आप नया कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए चौघड़िया, होरा, शुभ लग्न इत्यादि का आकलन करने के बाद ही आप कार्य करें, यही हम आपको सुझाव देते हैं। अगर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए योग्य मुहूर्त में ही आपको कार्य करना चाहिए, यही हम सुझाव देते हैं। बाकी कुंडली विश्लेषण, ज्योतिष की कोई भी जानकारी, वास्तुशास्त्र के संबंधित रत्न परामर्श इत्यादि कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मार्च 2022 के मुहूर्तों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें।
अगर आप 2022 मार्च के सर्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ, नए शास्त्र के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।